नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती फॉर्मली और जिसका नाम अब हो गया है ई ज्ञान में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा कई सारा क्लासेस चल रहा है जिसमें कि इस चैनल पे मतलब ई ज्ञान चैनल पे नेट की क्लास NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की क्लास चल रही थी, लेकिन अब हम लोग स्टार्ट किए हैं नीट की भी क्लास जो कि मेडिकल मतलब मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए कंपलसरी होता है। और इसमें हम लोग जो देखेंगे मेन रूप से बायोलॉजी को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सभी को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो नीट का स्टूडेंट है ये चैनल बिल्कुल ही नया है नीट के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज का। तो आज का है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग देखेंगे जो कि यूनिट 16 है, चैप्टर नंबर 16 है। लेकिन इसके पहले बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं और इस चैनल पे ऑलरेडी दे दिया गया है, तो अगर नहीं देखे हो अभी तक तो उसको तुम लोग जाके देख लेना। इसी चैनल पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें कि बीच का चीज़ नहीं पढ़े हैं हम लोग। एनिमल फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये जो प्रोसेस है ये बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन है, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, सभी के लिए एक समान है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग हंस की देख रहे हैं, मेरे पे अभी नहीं चल रहा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि अलग अलग प्रकार का जो भी जीव जंतु होता है इसमें कई प्रकार का फंक्शन परफॉर्म होता है। द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सभी के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस होता है, बेसिक कंपोनेंट्स होता है। फॉर एग्जांपल्स मूवमेंट, तो जितना भी जीव जंतु होता है वो सभी का सभी मूवमेंट करता है, जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रक्रिया को हम लोग मूवमेंट करते हैं, राइट। सेंसिटिविटी, सभी जीव जंतुओं में सेंसिटिविटी पाया जाता है, मतलब किसी पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर या सभी चीज़ के ऊपर उसमें सेंसिटिविटी होता है। मेरे पीछे दिख रहा है सभी को। उसके बाद सेंसिटिविटी के बाद न्यूट्रिशन, मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है खास करके जीव जंतु, वो न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, मतलब न्यूट्रिशन भी उसमें लिया जाता है। फिर रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ये सारे चीज़ को, ये बेसिक फंक्शंस है जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सभी का, और ये सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। ये हम सभी कुछ एनिमल फिजियोलॉजी के पार्ट में ये सब का सब एक साथ में आता है, ठीक है यहाँ तक सभी का। तो ये सभी का सभी को पार्ट को अगर हम बोलते हैं मूवमेंट, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ये सभी का सभी आता है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी के पार्ट्स में। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं जैसे कि हमारा जितना भी सेल्स बना हुआ है, सेल हो, सेल मिलके टिश्यू, तो टर्म फिजियोलॉजी वाज कॉइंड बाय जीन फर्नल इन 1542। जीन फर्नल के द्वारा फिजियोलॉजी टर्म दिया गया था। क्या होता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरियस फंक्शन दैट टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग प्रकार का फंक्शंस होता है, जैसे रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी चीज़ को अगर मिला दें, जैसे यहाँ पर देख रहे हो मेरे पीछे सभी कुछ दिख रहा है, अगर ये सभी कुछ को मिला दें तो ये कहलाता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल्स पहला जो क्यूटेनियस सिस्टम होता है, इंटेगमेंट्री सिस्टम स्किन, चाहे वो मस्कुलर सिस्टम हो, स्केलेटन सिस्टम हो, या इंडोक्राइन सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, लिम्फेटिक सिस्टम हो, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ये सभी कुछ को, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ये सभी कुछ को मिला के सिस्टम कहलाता है, जो कि हमारे एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट है। हम इसमें डिटेल में जो देखेंगे वो पोर्शंस होगा हमारा एनिमल फिजियोलॉजी का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसमें देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। तो अब एक एक करके सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी, और एनिमल फिजियोलॉजी में क्या, डाइजेशन, राइट। तो डाइजेशन में इसमें जो डाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोग मेन रूप से पढ़ेंगे उसमें शामिल होगा, इसका लर्निंग आउटकम्स क्या होगा, एनिमल्स प्रोसेस फूड इन 4 स्टेजेज, मतलब एनिमल्स में जो फूड होता है वो 4 स्टेजेज में, 4 स्टेजेज में ये प्रोसेस होता है, ओके उसको हम पढ़ेंगे। दूसरा नंबर पढ़ेंगे गेस्ट्रो इंटेस्टिनल GI ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल, मतलब गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल हम लोग इसको कहेंगे, और इसे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है मेरे पीछे दिख रहा है सभी को, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका जो
अलग अलग पोर्शन से, अलग अलग लेयर से, ये सभी लेयर्स को, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के लेयर्स को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माउथ, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद माउथ में जो डेंटिशन होता है, दांत का स्ट्रक्चर, कि दांत कैसे बना हुआ रहता है, कितने प्रकार का दांत होता है, बच्चों में कितना प्रकार का होता है और बड़ों में कितने प्रकार का होता है, ये सभी कुछ को हम लोग एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम लोग फेरिंग्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फेरिंग्स का क्या क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐसोफेगस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ऐसोफेगस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ये हमारा लर्निंग आउटकम होगा। नेक्स्ट है, तो हम लोग जो पहला यहाँ पर स्टार्ट करें, एलिमेंट्री कैनाल, डेट इज ऐसोफेगस। तो सबसे पहले जो ऐसोफेगस होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम खाना को अच्छे तरीके से दांत में चबाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और वो डाइजेस्ट चबाने के बाद दांतों के हेल्प से, टंग के हेल्प से, प्लस सिलेबा के हेल्प से, वो हमारे ऐसोफेगस बोले तो यहाँ से होते हुए जाता है। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स, सभी को मुझे सुन पा रहे हो और दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ सभी को। तो यहाँ पर द ऐसोफेगस इज अ थीन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमैक। तो यहाँ पर से जो ऐसोफेगस जो है ये थीन है, जो कि पीछे की तरफ से एक्सटेंड करता है, लंबा है, और पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू द नेक, जो कि गले से होते पास करते हुए, फिर थोरेक्स से पास करता है, और डायफ्राम से होते हुए ये जे शेप्ड बैग, जिसको कि हम लोग स्टोमैक कहते हैं, उसमें ये एंटर कर जाता है। Actively moves a bolus through peristalsis. इसमें जो bolus होता है, जो हम लोग खाना को खाए और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े, उसे हम लोग bolus कहेंगे, और इसके through जो ये pass करता है, ये actively pass करता है। अब ऐसा नहीं कि passively pass करता है, ये actively उससे होते हुए pass करता है। Actively कैसे होता है, अभी हम लोग इसको details में देखेंगे आगे थोड़ा सा चल के। तो overall यहाँ पर हमारा digestion का process कहें तो हम लोग का mouth में ही start हो जाता है और एक्सटेंड करता है। तो अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को अगर हम सही ढंग से देखें, तो इस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कई पार्ट्स में, मतलब कई फेजेज में कंडक्ट होता है। तो जो पहला फेज है वो है इंजेशन का, मतलब टेकिंग फूड इनटू द माउथ, मतलब मुंह खाने के प्रोसेस, जिसमें हम कि हम लोग खाना लेते हैं उसे इंजेशन कहते हैं। फिर डाइजेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो मैकेनिकली और केमिकली, मैकेनिकली कैसे, तो दांत के द्वारा, जो हमारा दांत है, दांत के द्वारा, टीथ की हेल्प से और टंग की हेल्प से, और सलेबा। तो केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, सलेबा में क्या होता है, टाइलिन। टाइलिन यहाँ पर क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, और ऐसे ही सिर्फ टाइलिन नहीं, और भी बहुत सारा सब्सटेंसेस हमारे जो खाना में होता है, सभी को केमिकली तोड़ा जाता है। तो ओवरऑल होल प्रोसेस को क्या क्या, मैकेनिकली और केमिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। मैकेनिकली मुंह से स्टार्ट होता है और स्टोमेक तक चलता है, स्टोमेक के बाद इंटेस्टाइन में भी चलता है, प्लस उसमें केमिकल वगैरह भी मिक्स करते हैं, जो कि लीवर के द्वारा बनता है, पैनक्रियाज के द्वारा बनता है, और अलग अलग पोर्शंस के द्वारा ये बनता है। अगला है एब्जॉर्प्शन, पासेज ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। तो हम लोग जो खाना खाए, जब वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, जब वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो जो हमारे ब्लड में और लिम्फ में मिक्स होता है, उसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या, जैसे हम लोग खाना खाएं, रोटी चावल भात जो भी खाना हो खाए, तो उसमें हम लोग एनर्जी के लिए खाते हैं, और भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, सब कुछ जो प्रेजेंट है, जब हम लोग उसे अपने में मिला लेते हैं, अपने में कैसे, अलग अलग पोर्शंस में कैसे जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग खाना खाए, मुंह से होते हुए गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होते हुए स्टोमक में गया, और जो बचा हुआ सबस्टांसेस है वो डेफिकेट कर दिया गया एनस के द्वारा, दिख रहा है सभी को। तो एनस के द्वारा वो सबका डेफिकेट कर दिया जाता है, मतलब बाहर निकल दिया जाता है। लेकिन किसे हम लोग डाइजेशन कहेंगे, एब्जॉर्प्शन किसे, डाइजेशन उसको केमिकली एंड मैकेनिकली तोड़ दिए, ठीक है, लेकिन उसे अपना बनाना है, बोले तो एब्जॉर्ब करना है, तो वो सभी एनर्जीज को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा को ब्लड और लिम्फ में मिक्स करते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर में बहता रहता है और सभी जगह पहुंचाता है। और लास्टली आता है हमारा फेज डेफिकेशन का, डेफिकेशन द एलिमिनेशन ऑफ फिकस फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, जब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ये बाहर फेंक दिया जाता है बचा खुचा सबस्टांसेस को, इसे हम लोग डेफिकेशन कहेंगे। तो ये चारों प्रोसेस, क्या क्या, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डेफिकेशन, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होगा। क्लियर है यहां तक, किसी को प्रॉब्लम यहां पर, किसी को, स्टूडेंट्स यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब हम लोग एक एक करके सभी चीज को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज दिख रहा है, ये हमारा माउथ को, अगर डायग्रामेटिकली हम लोग बनाते हैं तो ये हमारे माउथ को रिप्रेजेंट करता है। तो माउथ से हम लोग माउथ में खाना खाते हैं और इसी माउथ में सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा को मिक्स किया जाता है। इसी माउथ में सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा को मिक्स किया जाता है और मिक्स करके आगे बढ़ता है, ये बोलस के फॉर्म में, जो डाइजेस्टेड फूड होता है माउथ में उसे हम लोग बोलस कहते हैं। बोलस के फॉर्म में ये आगे मूव करता है और पहुंचता है कहां पर, स्टोमैक में। स्टोमैक में पहुंचता है और स्टोमैक से जैसे ही आगे बढ़ता है ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, तो स्टोमैक से आगे बढ़ने के दौरान में ही एक ट्यूब लगा हुआ रहता है जिसमें कि गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन, लीवर का सिक्रीशन और पैनक्रियाज का सिक्रीशन इसमें यहां पर एंटर करता है और वो पास थ्रू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें कि केमिकल ब्रेकडाउन, वो भी स्ट्रॉन्ग तरीके से केमिकल ब्रेकडाउन सबस्टांसेस का होता है यहाँ पे, मतलब जो भी हमारे खाने में सबस्टांसेस है। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, फिर वो पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाटर्स वगैरह है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और लास्टली रेक्टम और फाइनली एनस से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक ब्रीफ स्ट्रक्चर है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। सो द मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ग्लैंड्स दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस थ्रू डक्ट्स। मतलब हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल से और एसेसरी ग्लैंड से। एलिमेंट्री कैनाल ये पूरा का पूरा हुआ और ये जो ग्लैंड है इसे हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, इसकी हेल्प से यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है। लास्टली मेमेलियन एसेसरी ग्लैंड्स आर द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द पैनक्रियाज, द लीवर एंड द गॉल ब्लैडर। जो यहाँ पर देखें, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स होगा, पैनक्रियाज होगा, लीवर होगा और गॉल ब्लैडर होगा, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि केमिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड करता है। माउथ तो हमारा मैकेनिकली करता है और ये जो केमिकल सबस्टांस है जो कि ग्लैंड से आता है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, वो केमिकली इसे डाइजेस्ट करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, begins with the alimentary canal, begins with an anterior opening, the mouth and its opens outpostally through the anus। मतलब जो हमारा alimentary canal होता है mouth से open होता है ऊपर में और खत्म होता है anus के पास में जाके, ठीक है यहाँ तक। the mouth leads to the buccal cavity, जो mouth है हमारा mouth में सबसे आगे buccal cavity, मेरे पीछे में दिख रहा है buccal cavity सबसे आगे खुलता है, उसके बाद क्या होता है esophagus, इसोफेगस डिलीवर्स फूड टू स्टोमैक, मतलब इसोफेगस से होते हुए फूड स्टोमैक में एंटर करता है। स्टोमैक प्रीलिमिनरी डाइजेशन, तो स्टोमैक में जो फूड है वहाँ पर प्रीलिमिनरी डाइजेशन होता है, मतलब पहला लेवल का यहाँ पर डाइजेशन होता है। एंड उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि यहाँ पर पहुँचता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, अदरवाइज यहाँ पर कई सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, जिसे कि लूज मोशन कहेंगे या ये डायरिया कोलरा वाला सिचुएशंस में होता है और हॉस्पिटलाइज कर देता है। एंड लास्टली कोलाइका और रेक्टम, ये है कोलाइका और रेक्टम जहाँ पर कि एक्सपेल वेस्ट, जो भी वेस्ट सबस्टांसेस है जब हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सके, एब्जॉर्ब नहीं कर सके, तो जो एक्स्ट्रा सबस्टांसेस बचा उसे बाहर निकालना जरूरी है और हम लोग इसी के थ्रू बाहर निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं लेयर्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट, जो कि अलग अलग लेयर्स का बना हुआ रहता है। जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स, तो अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेयर्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कौन कौन सा लेयर्स होता है इसे जानना जरूरी है, इससे रिलेटेड कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसको एक एक करके अच्छे तरीके से देखते हैं। तो जो सबसे अंदर का है, एक होल जैसा, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, चाहे हम लोग इसोफिगस का ही अगर पोर्शंस देखते हैं, तो ये अलग अलग लेयर्स का बना हुआ रहता है। ये अलग अलग लेयर्स कौन सा है एक एक करके देख लेते हैं अलग अलग लेयर्स। तो जो सबसे अंदर का लेयर्स है उसे हम लोग ल्यूमेन कहते हैं, और ये लेयर नहीं, जो होल है, जो होल है, छेद है, जिससे कि होते हुए हमारा फूड पास आउट होता है। तो ये जो लेयर है, मतलब छेद है, इसी से पास आउट होता है। तो जो सबसे लेयर की तरफ से जो पहला लेयर है, सबसे पहला लेयर है, उसे हम लोग कहते हैं ल्यूमेन, सॉरी जो होल है उसे ल्यूमेन कहते हैं। जो सबसे पहला लेयर है उसे हम लोग म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा के जस्ट पहला पार्ट जो है उसे हम लोग सब म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा के आगे वाला ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर, वर्टिकली काटा गया है, और दूसरा जो है जस्ट हॉरिजॉन्टली काटा गया है, जो कि ये तुम्हें दिख रहा है, ठीक है।
तो अब यहां पर उसके बाद का सबमिकोसा, सबमिकोसा के बाद मस्कुलरिस और उसके बाद सर्कुलर मसल्स यहां पर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसके बाद का सबमिकोसा के बाद के लेयर को मस्कुलरिस कहते हैं और उसके बाद जो सर्कुलर लेयर है जो देख रहे हो ये सर्कुलर लेयर सर्कल के जैसा बना हुआ है और यह है लॉन्गिट्यूडनल लेयर जो कि लंबा लंबा यहां पर मसल्स पाया जाता है और आगे है लास्टली सबसे बाहर का जो लेयर है ये वाला इसे सीरोसा कहते हैं। ये इसे एक दो बार तुम लोग देखोगे तो ये याद हो जाएगा और ये याद करना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि हमारे एग्जाम में ये लेयर्स पूछता है, ये जो सातों लेयर है तो ये लेयर्स जो है तो ये लेयर्स में किसके बाद कौन सा है, तो इसे दो तीन बार देखने के बाद ये सारा लेयर्स के बारे में जानकारी अच्छे तरीके से हो जाएगा। और सभी का अलग अलग फंक्शन है क्योंकि इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि मूवमेंट ऑफ, जस्ट एक मिनट मैं ला रहा हूं उसे, इसके पहले हम लोग देखे थे क्या, चलो यहाँ पे खोजना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो पास आउट होता है जो फूड, तो फूड जो पास आउट होता है ये एक्टिवली होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पैसिवली होता है अपने आप यहाँ पर गिर गया, एक्टिवली। इसलिए देखते हो कि जब हमारी इच्छा होती है तो हम लोग खाना अंदर की तरफ लेते हैं, लेकिन कई बार जिसे कि हम लोग पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं, लेकिन कई बार होता है कि कुछ गंदा खाना या गड़बड़ खाना खा लेते हैं जो कि हमें अच्छा नहीं लगता या हमारे स्टोमेक को पसंद नहीं होता, इसे वापस रिटर्न कर दिया जाता है जिसे वॉमिटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर हो रहा है रिवर्स पेरिस्टॉल्सिस, मतलब ये एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिवली मूव करता है। एक्टिवली कैसे मूव करेगा, यहाँ पर जो अलग अलग है मसल्स, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये सारा सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हमें हेल्प करता है ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, मूवमेंट ऑफ फूड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर म्यूकोसा इनर मोस्ट इपिथिलियम डेट लाइंस द इंटीरियर और लुमेन ऑफ द ट्रैक्ट, तो जो म्यूकोसा है और म्यूकोसा थोड़ा सा चिपचिपा स्लिपरी होता है, तो स्लिपरी क्यों, जब हम खाना खाएंगे अगर रफ होगा तो जाम पकड़ लेगा ना हमारे गले में, इसोफेगस वगैरह में जाम पकड़ लेगा, तो जाम ना पकड़े इसीलिए ये आसानी से पास आउट हो जाए, इसलिए ये म्यूकोसा का बना हुआ होता है। उसके बाद सेमिकोसा होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके बाद मस्कुलरिस सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल इनमोस्ट मसल्स जो कि मस्कुलरिस का पार्ट है, मस्कुलरिस में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों होता है। लास्टली सीरोसा जो कि आउटर मोस्ट इपिथिलियम कवरिंग एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ट्रैक, ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि ट्रैक के एक्सटर्नल सरफेस को कवर आउट करता है, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सब अब हम लोग देखते हैं जो हमारा बक्कल कैविटी है जहां से कि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहां पर जो सबको क्लियरली दिख रहा होगा, पेन का कलर थोड़ा सा बदलना पड़ेगा मेरे अनुसार यहाँ पे, तो ये जो माउथ है जो हमारा बक्कल कैविटी है, तो जो बक्कल कैविटी है ऊपर की ओर, मुंह में ऊपर की ओर थोड़ा सा टच करके देखो सभी कोई, अगर हाथ धोया हुआ है तो या सैनिटाइजर लगाए हुए है तो थोड़ा सा ऊपर टच करके देखो, ये हार्ड है क्योंकि यहाँ पर बोनी लाइक परफोरेटेड बोनी लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कि हम लोग हार्ड पैलेट कहते हैं क्योंकि हार्ड है। और यहाँ नाक है, नाक से देख रहे हो, नाक से सांस लेने की प्रोसेस होता है और नाक के पीछे का जो स्ट्रक्चर है जो गैपिंग है उसे नेसोफेरिंग्स कहते हैं। जो माउथ के आगे का स्ट्रक्चर है, माउथ के पीछे का स्ट्रक्चर है उसे ओरोफेरिंग्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर में जो है, जो जस्ट माउथ के ऊपर में है उसे हार्ड पैलेट कहते हैं और पीछे वाला जो सॉफ्ट होता है ऊपर में रूफ और ऊपर में माउथ बक्कल कैविटी के ऊपर वाला जो लेयर है वो सॉफ्ट है, इसीलिए इसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। और यहां पर जो सबसे खास बात चीज है, ये स्ट्रक्चर सभी को दिख रहा है कि मैं पीछे आ गया हूं सभी का, जो ये स्ट्रक्चर जो है ये इसे उभुला कहा जाता है। उभुला क्या करता है, हम लोग जो खाना खाए तो उभुला, जब हम लोग खाना खाए तो जब खाना इसके अंदर जाता है हमारे में तो ये उभुला ऊपर की ओर ढक देता है, मतलब सांस को नहीं जाने देता, मतलब ऊपर नेसोफेरिंग्स की ओर फूड को नहीं जाने देता। और जब हम लोग सांस लेते रहते हैं खाना नहीं खाते हैं तो ये उबुला नीचे की ओर रहता है और एलिमेंट्री कैनाल बोले तो इसोफेगस के ओपनिंग को ये बंद कर देता है, इसोफेगस के ओपनिंग को बंद कर देता है। तो ओवरऑल यहां पर क्या हुआ कि ये उबुला स्टॉपेज करता है, लेकिन कई बार होता है कि बाय मिस्टेक हम लोग इसको बंद करने के लिए भूल जाते हैं, इनवॉलेंटरली जब बंद करने के लिए ये भूल जाते हैं तो क्या होता है कि नाक में चला जाता है, जब हम लोग खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो नाक की ओर बाईपास हो जाता है, तो ये उबुला के कारण होता है। और ये जो डाइजेस्टेड फूड जो कि माउथ में चबा के पानी मतलब सलाइवा वगैरह मिला के जो पास आउट किए उसे बोलस कहते हैं। और उसके आगे जब बढ़ता है तो हमारा जो ट्रैकिया है जहाँ पर कि लैरिंग्स वगैरह है बोले तो वोकल कैविटी जहाँ पर बोलने वाला जो है लंग्स में जो जाता है उसके जो कवरिंग है वहाँ पर एक लगा हुआ है उसे इपिग्लोटिस कहते हैं, जो ढक्कन है और जो जगह जाने वाला है जो स्पेस बना हुआ है उसे ग्लोटिस कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद ये है ग्लोटिस और एपिग्लोटिस, और ये जो स्ट्रक्चर है, मैं सामने में हूं क्या, मुझे देखने में दिक्कत हो रहा है आज, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं फिगर को, क्योंकि मैं बता रहा हूं और उसी के सामने मैं हूं, या तो मेरा एक काम करता हूं मैं आउट ऑफ फ्रेम हो जाता हूं, तुम लोगों को देखने में आसानी होगा। ठीक है, तो यहां पर जो कवरिंग कर रहा है ये एपिग्लोटिस, और ये जो जगह है ग्लोटिस और लैरिंग्स एंड इसोफेगस, ये है लैरिंग्स और उसके पीछे वाला इसोफेगस है, जिससे कि पास होता है फूड, जैसे फूड आया यहां से तो ये जो एपिग्लोटिस इसको कवर कर देगा, ताकि ये लंग्स में ना घुस जाए या ट्रेकिया में ना घुस जाए, और उसके बाद ये फूड इससे होगा। लेकिन नॉर्मल केस में जो नेसोफेरिंग से जो एयर आ रहा है, नेसोफेरिंग से ये यहां पर खुल जाता है, जो कि ट्रैकिया में या लैरिंग्स में एयर एंटर करता है। तो यहां पर एपिग्लोटिस कवरिंग के लिए है और ऊपर में उभूला है कवरिंग के लिए। क्लियर है यहां तक? ओके, और आगे है पाथवे फॉर सेंट्रो स्पाइनल फ्लूड्स, और आगे आता है एलिमेंट्री कैनल, जिसमें कि ओरल कैविटी के बारे में, जिसमें कि हम लोग डेंटिशन वगैरह पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज पहला दिन है हमारे क्लास का, आज पहला दिन है हमारे क्लास का, इस चैनल पे लाइव क्लासेस, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आए नहीं। तो तुम लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और स्टूडेंट्स बता दूं कि हमारे द्वारा एक स्पेशल ऐप है ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप, उसे इंस्टॉल कर लेना, ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लस एंड्रॉयड प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। तो उसमें ये जितने भी क्लासेस हो रहा है ये वहां पर भी जाएगा, मतलब वहां पर भी दिया जाएगा, जो आमने सामने डिस्कशन की बात होगी, ये तो जस्ट यूट्यूब से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यही क्लास हमारा एंड्रॉयड ऐप ई ज्ञान पे भी होता है। और ई ज्ञान पे जो भी अभी जो बताए, ये जो यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, इसका पीडीएफ फॉर्म ये तुम्हें उसी पे दे दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में, जिससे कि तुम लोग आसानी से पढ़ पाओगे, प्लस एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, एमसीक्यू के फॉर्म में भी, थियोरेटिकल के फॉर्म में भी, और बीच बीच में क्विजेज भी होता रहेगा और टेस्ट भी होता रहेगा। तो तुम लोग जल्दी से उसे इंस्टॉल कर लो, ताकि अच्छे से पढ़ाई हो, क्योंकि किसी भी कंडीशन में हमें नीट तो पास करना ही करना है। और स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो बड़े लोग अभी देख रहे हैं आप लोग भी शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी के पास ये पहुंचे और सभी को हमारे से अच्छे तरीके से तैयारी करके डॉक्टर बन सके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, रहने दें।